प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल गिव मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम एसएम के फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। यदि कोई एपी गिवन है तो हमें उस एपी का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। एसएम इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका प्रूफ सबसे पहले हम सॉल्व करें। Let A and D be the first term and common difference. A जो है वो AP का first term है और D आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। नाउ एपी क्या हो जाएगी? फिर एपी होगी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी एंड लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस एपी। लेट एसएम जो है इस एपी का सम है, तो वो क्या होगा? ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस एंड सो एंड ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इक्वेशन नंबर वन। राइट द अबाउ सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर। हमने इस सीरीज को रिवर्स कर दिया है। मीन्स ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सम तो उतना ही रहेगा फिर भी, तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। इसमें से हमने डी घटा दिया, प्लस एन शर्ण ए प्लस डी और ए आई। ये होगी इक्वेशन नंबर टू। जो इसका लास्ट टर्म था वो तो फर्स्ट हो जाएगा और जो ये सेकंड लास्ट था वो सेकंड हो जाएगा। इस तरीके हमने रिवर्स करके सीरीज को लिख दिया। एड इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो एसएन और एसएन ऐड करके कितना आ गया? टू एसएन। इसको इसको प्लस करेंगे तो ए में ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस डी में ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी एड करेंगे तो ये भी यही हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट टर्म ये है और इस सीरीज का लास्ट टर्म ये है तो ये एड करके कितना हो जाएगा? टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि आपको मैं एक सीरीज दूं थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? थ्री इंटू सेवन इज इक्वल टू 21। ये कितने टर्म्स हैं? एन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन इंटू, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल देके आपको समझाया है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? एन है और सारे सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं। देयरफॉर एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज द सम ऑफ एन ए। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
टू ए को हमने लिख दिया के प्लस टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं एल, तो एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये भी एसएम का एक फॉर्मूला है। तो क्या पढ़ा हमने, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी और एन अपॉन टू ए प्लस एल, हेंस प्रूफ। कौन सा भी प्रूफ करने के लिए आ जाए उसको आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। प्लीज मेक इट। अभी हमने एसएम का फॉर्मूला प्रूफ किया है, नाउ बाय यूजिंग एसएम फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज, यानी कि एसएम के फॉर्मूले की एप्लीकेशन अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, यहां पर एपी गिवन है कि ये एपी है, इसका सम निकालना है, इसका सम टू टेन टर्म्स, इसका टू ट्वेल्व टर्म, 100 टर्म्स एंड 211 टर्म्स का सम हमें यहाँ पर निकालना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, एपी क्या है, 2, 7, 12, ए कितना है 2 और डी हो जाएगा 7 - 2 = 5, एपी गिवन है। एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, एन इज इक्वल टू 10। इस वाले क्वेश्चन by SN is equal to N upon 2, 2A plus N minus 1 into D, हमारे पास N भी है, A भी है और D भी है, वैल्यू पुट कर देंगे, 10 upon 2, 2 into A 2, 10 minus 1 into D, D की वैल्यू होगी 5, 2 से ये कैंसिल, 5, 4 + 45, 9 + 45, 5 × 49, 5 × 45, तो आंसर आ गया 245, दैट इज योर आंसर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट डी आई पी, डू इट प्रैक्टिस। नाउ फोर्थ पार्ट, एपी है 1/15, 1/12, 1/10, ए की वैल्यू कितनी है 1/15, डी इज इक्वल टू 1/12 - 1/15, एलसीएम कितना हो गया इसका 5 - 4 = 1/6, डी की वैल्यू आ रही 1/6, और एन कितना है इसमें, एन 11। नाउ एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 11/2, 2 × a 1/15, 11 - 1, d की वैल्यू 1/15, 11/2, 2/15 प्लस 10 हो गया, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा इंटू 8 + 10, कितना हो गया ये 11 × 18/2, (33/20), दैट इज योर आंसर। यानी कि इस सीरीज के 11 टर्म्स का सम 33/20। थैंक यू, मेक इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो, ये एपी है
और इसका सम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन में दिया था 2 tan terms। ठीक है, यहां पर दिया है प्लस 84 आपका लास्ट टर्म है और पहले वाले क्वेश्चन में क्या था 2 tan terms, इट मींस n की वैल्यू 10 थी। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन टर्म, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 10.5 - 7, 3.5 इज इक्वल टू 7/2 एंड l इज इक्वल टू 84। l इज इक्वल टू 84, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द n, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द sn। L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से एल की वैल्यू कितनी है 84, a की वैल्यू 7 n माइनस 1 और d की वैल्यू 7/2, दैट मीन्स 77, 84 में से 7 घटाएंगे 77 is equal to n minus 1 into 7/2. 77 into 2/7, n minus 1, 11, 22 is equal to n minus 1. That means n is equal to 22 plus 1, 23. So n ki value 23 are. Now, हमें फाइंड आउट करना है Sn। Sn का हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n/2a + n। Why? Because लास्ट टर्म इज गिवन, यहां पर लास्ट टर्म दिया है गिवन है तो आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या n/2a + n - 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यू कितनी होगी n की वैल्यू है 23/2, a की वैल्यू 7 प्लस l 84, 23 × 91/2 इज इक्वल टू 2093/2, दैट मीन्स 1046/2, दैट इज योर आंसर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट बी आई ई डू इट प्रैक्टिस प्लीज मेक इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन दिस क्वेश्चन इन एन ए पी, यहां पर 5 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने लिखे हुए हैं तो इसमें से डिफरेंट टाइप दी हुई है, डिफरेंट टर्म्स दिए हैं, कहीं पर ए दिया, डी दिया, एस एन निकालना, ए एम निकालना। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, मीन लास्ट टर्म यहां पर दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, 50 को उधर ले आएंगे, 5 को इधर ले आएंगे, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, 45 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 15, दैट मीन्स 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू 16, n की वैल्यू हमारी फाइंड आउट होगी। अब उन्होंने पूछा है Sn, Sn मीन्स s 16 इज इक्वल टू 16/2 a प्लस
यहां पर n की वैल्यू हमने 16 रख दी और a प्लस एन ए की वैल्यू है 5 और a 16 कितना है 50 तो इट मींस 8 × 55 सिमिलरली थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट डीआईपी टू इन प्रैक्टिस थर्ड पार्ट A12 = 37 एंड D=3 A12 की वैल्यू 37 मींस n की वैल्यू 12 है तो A12 कितना हो जाएगा A+12 − 1 × D 37 = A+11 × 3 A+37 − 33 तो यह आ गया आपका A की वैल्यू 4 है क्या निकालना था इसमें हमें A की वैल्यू निकालनी थी अब S12 = 12/2 A+L A की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहां पर 4 और L की वैल्यू A12 = 37 6 × 41 That is the answer. Similarly, fourth part and fifth part, DIE, do it practice, please make note. Now, question number 3 के remaining 5 part 6, 7, 8, 9, 10 6th part same as previous question DIP 7th part what is given A = 8 AN = 62 SN = 210 Find N and D. Now, SN = N/2 A+AN SN कितना है? 210 N/2 A की वैल्यू 8 + 62 It means N/2 × 17 यहां से 210/35 = N N की वैल्यू 6 N की वैल्यू कितनी आ गई 6 Now to find the value of D A N = 62 that means A+N − 1 × D = 62 A की वैल्यू 8 है 8 + 6 − 1 × D = that means 5D = 54 तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी D = 54/5 और A की वैल्यू कितनी होगी हमारी सॉरी N की वैल्यू N = 6 Now ninth part eighth part DIP Do it practice
इन नाइन्थ पार्ट गिवन ए इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू एट और एस इज इक्वल टू 192, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। एस इज इक्वल टू कितना है, एन अपॉन टू, फॉर्मूला टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सी। एस कितना है 192, एन की वैल्यू 8, 2 इंटू 3, एन की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू 3, 4, 192 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 70, कितना है 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 70, 42 इज इक्वल टू 70, डी इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, तो बी की वैल्यू आपकी 6 है। सेम एज 10th पार्ट, एल इज इक्वल टू 28, एस एन इज इक्वल टू 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि ये हो गया लास्ट टर्म, एन की वैल्यू 9, एस एन इज इक्वल टू 144, अप्लाई द फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन। से हमें ए की वैल्यू निकालनी है, प्लीज डी आई पी डू इट प्रैक्टिस एंड मेक अ नोट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दैट व्हाट आई हैव टॉट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेल। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.